ഏകദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വർഗരാജ്യ പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി നാം എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ആരാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വചനം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 23:13-15 വചനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു. മാത്യുക്കാ സുസമാചാർ 23:13-15 പരമേശ്വര കാ ശിഷ്യ ക്യാ കർണാ മംഗത്തെ കർക്കേ ഹം ലോ ചിന്താ കർ രഹാ താ. തോ പരമേശ്വര സ്വർഗരാജ്യം മേ ലേക്കർ ജാനേ കേ ലിയേ മനുഷ്യോ കോ ചുൻതേ ഹേ മനുഷ്യോ കോ ഉൻകാ ശിഷ്യ ബനാതാ ഹേ കർക്കേ ഹംനേ ദേഖാ. ഉസ്കാ 23:13 ജരാ പഠിയേ. हे कपटियो, शास्त्रियो और फरीसियो, तुम पर हाय! तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वारा बंद करते हो. तो फरीसी लोग मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद करते हैं, नहीं तो वो राज्य में लोग एंट्री करने के लिए नहीं दे रहे, वो लोग भी एंट्री नहीं कर रहे करके उधर लिखा है. तुम लोग कपड़ भक्ति करा या परीक्षी लोग, कपड़ भक्ति हमारे अंदर आएगा तो, कपट भक्ति बोलेगा तो क्या है, झूठा भक्ति करके बोलेगा तो क्या है, वो झूठा भक्ति दुनिया को दिखाने के लिए. मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, मैं बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति है, मैं बहुत आत्मीय व्यक्ति है करके दुनिया को दिखाने के लिए दिखाने वाला लोगों को കപട ഭക്തിക്കാര് എന്ന് ദൈവം വിളിക്കുന്നു. കപട ഭക്തിക്കാരായ മനുഷ്യരാണോ നാം ഓരോരുത്തരും? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്തി ദൈവം കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അതോ നമ്മുടെ ഭക്തി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദുനിയ സുന്നേക്കെലിയെ ഹം പ്രാർത്ഥന കർത്തേക്ക ഭക്തി ദിക്കാത്തേക്ക കർക്കെ ഹമേ അപ്നി ആപ്കു ജാഞ്ചന മംഗത്തെ. നമ്മുടെ ഭക്തി നമ്മെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എത്തിക്കണം. हमारा भक्ति हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचाना है. तो इधर कबड्डी परीक्षी लोगों से यीशु बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसका 13 का बाकी पढ़िए. कबड्डा भक्ति सॉरी बनता ना, तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो. तो ये झूठा भक्ति दिखाने वाला परीशी लोग, मिस पुरोहित लोग, नहीं तो सिखाने वाला लोग, वो स्वयं स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करते हैं और लोगों को भी प्रवेश करने के लिए नहीं देते है करके उधर से लिखा है. नीचे पढ़िए. ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करने देते हैं और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हैं. हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम विधवाओं को घरों को खा जाते हो और देखने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा. बड़ी देर प्रार्थना करने से स्वर्ग राज्य नहीं पहुंचते. दिल से परमेश्वर को सुनाने के लिए प्रार्थना करेगा तो ही स्वर्ग राज्य जाएगा. हम घंटों घंटों बैठकर प्रार्थना करने से स्वर्ग राज्य नहीं पहुंचेगा. दूसरे को दिखाने के लिए प्रार्थना करने से स्वर्ग राज्य नहीं पहुंचेगा. तो इसके लिए हमारा भक्ति सच्चा भक्ति होना मांगते है. सच्चा भक्ति के द्वारा हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मिलते हैं करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. तो मत्ती का सुसमाचार
24 का 51 पढ़िए। तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका बाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वह रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। देखा, उधर कपटियों को मिलने वाला शिक्षा है, मैं पूरा पढ़ने के लिए नहीं चाहते। कपटी कपट भक्ति दिखाने वाला लोगों को क्या होएगा, शिक्षा क्या होएगा, क्या मिलेगा करके उधर लिखा है। क्या मिलेगा? ताड़ना मिलेगा, दंड और दंड मिलेगा, और रोना और दांत पीसना। बोलो, रोना और दांत पीसना होगा। हाँ, किधर रोना और दांत पीसना है? नरक में। तो इसके लिए हमें कपट भक्ति नहीं दिखाने का है, हमें दुनिया को एक भी मनुष्य को दिखाने के लिए भक्ति नहीं निकालने का है, दिखाने का है। इसके लिए हमारा भक्ति कभी भी सच्चा भक्ति होना मांगते, वो भक्ति देखकर परमेश्वर खुश होना मांगते है, और परमेश्वर हमें स्वर्ग राज्य का वारिस बनाना मांगते है। ऐसा भक्ति हमें हमारे अंदर होना है। दुनिया का अंत में हम दंडन अनुभव कर कर, पीड़ा अनुभव कर कर, हम रोने का अवस्था में, नहीं तो दांत पीसने का अवस्था में होने के लिए नहीं देने का। तो हमारा भक्ति एकदम सच्चाई में होना मांगते है, परमेश्वर प्रसन्न होने वाला भक्ति हमारे अंदर होना मांगते है। परमेश्वर बोल रहे, परमेश्वर का राज्य किधर है करके दिखा रहे। वो मत्ती का सुसमाचार का, सॉरी लूका का सुसमाचार का 17:20 हम पढ़ेगा तो स्वर्ग राज्य किधर से शुरू होते है करके उधर लिखा है। स्वर्ग राज्य किधर है? जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। और नीचे, और लोग यह न कहेंगे, देखो यहाँ है, यहाँ वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। देखो, लोग बोलेगा उधर है, इधर है, ऐसा करेगा तो मिलेगा, ऐसा करेगा तो मिलेगा करके दुनिया हमें सिखाता है, मगर परमेश्वर बोलते हैं परमेश्वर का राज्य तुम्हारा बीच में ही है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ है। यदि तुम सच्चा भक्ति में परमेश्वर का राज्य प्रवेश करने के लिए इच्छा रखकर जीने वाला व्यक्ति है, तो तुम्हारे बीच में ही, तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का राज्य है। तो परमेश्वर का राज्य, लोग बोलेगा वो करो, ये करो, तीर्थाटन तुम पो, उधर मन्नत मांगो, इधर मन्नत मांगो, उधर जाके थोड़ा धूप जला लो तो तुम्हें मन्नत मिल जाएगा, नहीं तो तुम्हारा राज्य, स्वर्ग राज्य मिल जाएगा करके बोलने वाला बहुत लोग है, मगर उधर इधर करके बोलेगा तो किधर भी नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे बीच में ही है स्वर्ग राज्य। हमारा बीच में बोलेगा तो क्या है? परमेश्वर के नाम से सच्चाई के द्वारा जीने वाला एक परिवार है तो उस परिवार के बीच में स्वर्ग राज्य है, एक समूह है तो उस समूह के बीच में स्वर्ग राज्य है। यदि हम सच्चाई के द्वारा, हमारे अंदर कोई कपटता से हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हमारे बीच में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में स्वर्ग राज्य है। तो वो स्वर्ग राज्य में जीने वाला व्यक्ति को परमेश्वर दुनिया का अंत में उनके पास लेकर जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में जीना बोलेगा तो परमेश्वर का वचन के अनुसार जीना, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीना, यही है स्वर्ग राज्य। मीन्स एक परिवार में स्वर्ग राज्य वो परिवार का बीच में होना मांगते है। एक स्वर्ग राज्य हमारा सभी विश्वासी लोगों के बीच में होना मांगता है।
तो वैसा स्वर्ग राज्य हमारा बीच में ही है, हमारे पास है, मगर वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या क्या करना मांगते है, कैसा कैसा हमें भक्ति दिखाना मांगते है, कैसा कैसा हमें प्रवृत्ति दिखाना मांगते है, वो उसकी उसी के बारे में हमें चिंता करने का है। 18:16 पढ़िए, लूका का। यीशु ने बच्चे के पास बुलाकर कहा, बालको के मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। देखो उधर बच्चे लोगों को दिखाकर यीशु बोल रहे है, बच्चे लोगों को मेरे पास आने दो, ये बच्चे लोग ही, बच्चे लोगों के अंदर ही परमेश्वर का राज्य है, मीन्स बच्चे लोगों का है स्वर्ग राज्य करके उधर लिखा है, बच्चे लोगों का है स्वर्ग राज्य। कौन सा बच्चा? छोटा बच्चा। छोटा बच्चा बोलेगा तो खाली छोटे बच्चे लोग को ही स्वर्ग राज्य मिलेगा? नहीं, हमें बच्चा बनना मांगते है, हालेलुया, परमेश्वर का बच्चा बनना मांगते है, वचन के द्वारा पैदा होना मांगते है, हम परमेश्वर के सामने एक छोटा बच्चे के समान निष्कलंक होना मांगते है, हम परमेश्वर के सामने एक सच्चाई में जीने वाला बच्चा बनना मांगते है, हम परमेश्वर का बच्चा है, 80 साल हो गया तो भी हमारे अंदर वचन के द्वारा एक बदलाव हमारे अंदर आ रहे तो हम परमेश्वर का बच्चा बन गया है। दुनिया में हमें 80 साल हो गया होगा, दुनिया में 70 साल हो गया होगा, मगर हमारा वो 70 साल का दुनिया से सीखा हुआ चीजों को दूर फेंक कर परमेश्वर से सीखने के लिए, परमेश्वर का वचन के अनुसार जीने के लिए, पर पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पण करने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर का बच्चा बन जाता है। मैं 80 साल हो गया, बुढ़ा है, मैं बहुत दुनिया देखा है करके बहुत लोग बोलते हैं, मगर दुनिया का सीख परमेश्वर का राज्य में हमें नहीं पहुंचाता है, दुनिया का सीख हमारे अंदर है तो उसको निकाल देने का और परमेश्वर का वचन का सीख हमें ले लेने का है, तभी हम बच्चा बनेंगे, परमेश्वर का बच्चा बनेंगे, परमेश्वर का पुत्र पुत्री लोग बनेंगे, तो परमेश्वर का पुत्री लोग बच्चा बनेगा तो ही हमें स्वर्ग राज्य मिलेगा। तो बच्चे के अंदर निष्कलंकता है, सच्चाई है, बच्चे के अंदर कोई गलत नहीं है, ये वैसा जीवन हमें भी होना मांगते हैं, तभी हम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर सकते हैं एक बच्चा समान। तो इसराइल लोगों को जब मिस्रेम से लेकर आने का समय रेगिस्तान से चलाया, तभी बड़े लोग सब गुड़गुड़ाने लगा, परमेश्वर का विरुद्ध जीने लगा, परमेश्वर को क्वेश्चन पूछने लगा, परमेश्वर का मर्जी से ना जीते हुए मरुभूमि से नहीं तो रेगिस्तान से चलते आया, मगर परमेश्वर किधर लेके जा रहा था? दूध और हनी बहकने वाला जगह में, कनान में पहुंचाने के लिए परमेश्वर चला रहा था, मगर परमेश्वर के विरुद्ध वो लोग जो प्रवृत्ति बोला है किया है, चिंता किया है, और ये सब परमेश्वर का विरुद्ध हो गया है, इसके लिए क्या किया वो बड़े लोग? कोई भी उधर पहुंचा नहीं है करके उधर लिखा है, बड़े लोग कोई भी उधर पहुंचा नहीं, 20 साल से नीचे का सभी लोग उधर पहुंचा करके लिखा है, बड़े लोगों में 2 जन पहुंचा, कालेब और योशुआ पहुंचा, कितना लोग था? 6 लाख, 6 लाख से ऊपर में लोग था, और उसमें से 2 लोग परमेश्वर बोला वैसा कनान देश में पहुंचा, क्यों? उसके अंदर परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का मर्जी से जीने लगा, परमेश्वर जाओ करके बोला तो जाने लगा,
परमेश्वर रुको करके बोला तो रुकने लगा, परमेश्वर बोला ये वचन के अनुसार जियो करके प्रार्थना करो करके बोला तो ऐसा प्रार्थना किया। उधर वो लोग का मर्जी उसके अंदर ढाला नहीं है, इसके वजह से वो लोग कनान देश में पहुंचा। 20 साल के सब बच्चे लोग भी उधर पहुंचा कनान देश में। इसका अर्थ क्या है? उसके अंदर परमेश्वर का, परमेश्वर को मान सम्मान देने वाला होना मांगते, परमेश्वर को डरने वाला होना मांगते, परमेश्वर का वचन के अनुसार जीने वाला होना मांगते, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए। इसके लिए हम परमेश्वर को कितना डरते हैं, हम वचन के द्वारा कितना जीते हैं, उसी हिसाब से बच्चा बनकर अपा 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 करके पुकार कर, फादर करके पुकार कर, उनके पीछे उनके पीछे उनके इच्छा के अनुसार उनके नजदीक खड़ा रहने वाला बच्चा होना मांगते है, उनका हाथ पकड़कर चलने वाला बच्चा होना मांगते है। कोई कोई बच्चा लोग को हाथ पकड़ेगा तो निकाल के हाथ में पकड़ने के लिए नहीं देते, हाथ में पकड़ने के लिए नहीं देते, भाग जाता है। ऐसा बच्चा नहीं, परमेश्वर का हाथ पकड़कर, नहीं तो पापा का हाथ पकड़कर चलने वाला बच्चा होना मांगते, कहना मानने वाला बच्चा होना मांगते, तभी परमेश्वर हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा। तो इसके लिए हमारा परमेश्वर का राज्य में हमें प्रवेश करने के लिए उनके साथ साथ चलो। हम गाना गाया वैसे ही, सच्चा चरवाहा वही है, उनका हाँ उनके पीछे हो लूंगा मैं, उनके पीछे हो लूंगा, नीचे ले लो, मैं उनके पीछे चलेगा, वो मुझे हरी हरी चराई में चराता है, ये विश्वास रखो। उनके पीछे जाने वाला को कोई भी कमी नहीं होएगा, ये विश्वास रखो और उनके पीछे चलो, तभी हमारा हम उनके वो किधर पहुंचेगा उधर हम भी पहुंचेगा। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 21:1 पढ़ेंगे। फिर अपने आंखों उठाकर धनवानों को अपने अपना दान भंडार में डालते देखा। 22 സ്വർഗരാജ്യം തന്റെ പുത്രന് വേണ്ടി കല്യാണ സദ്യ കഴിച്ച ഒരു രാജാവിനോട് സദൃശ്യം। സ്വർഗരാജ്യ ക്യാ ഹേ കർക്ക് ഉദർ ലിഖാ ഹേ। एक राजा अपने पुत्र के लिए शादी का सद्या कर रहा था, मीन्स क्या बोलते हैं उसको, शादी में खाना दे रहा करने वाला था, शादी करने वाला था। हाँ, तो क्या हो गया, स्वर्ग राज्य भी ऐसा ही है करके बोलते हैं। मीन्स वो राजा उनका बच्चे का शादी में सभी लोगों को बुलाया, मगर उधर एक स्पेशलिटी था, वो शादी में आने वाला को सब कपड़ा भी देता था, शादी में आने वाला को वही राजा जो कपड़ा देते है वही कपड़ा पहनकर उनको अंदर आना मांगता था। तो स्वर्ग राज्य भी ऐसा ही है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का है तो हमें एक कपड़ा मिलेगा। कौन सा कपड़ा है करके नीचे हमें परमेश्वर हमें सिखाएगा। तो वो शादी कराने वाला राजा का बेटे का शादी के समान है स्वर्ग राज्य करके उधर लिखा है। तो उधर नीचे नीचे हम पढ़ेगा तो वो शादी में एक व्यक्ति वो दिया हुआ कपड़ा नहीं पहना है, राजा दिया हुआ कपड़ा नहीं पहनते हुए खाना खाने के लिए बैठ गया। तो उनको क्या किया, बाहर लेकर जाकर अंधकार में डाल दिया करके लिखा है, अंधकार का कुंड में
ढाल दिया करके उधर लिखा है, वैसा ही है स्वर्ग राज्य। स्वर्ग राज्य में ऐसा वैसा प्रवेश नहीं कर सकते, स्वर्ग राज्य का नियम रहते हैं, वो नियम के अनुसार हम जिएगा तो ही हमें स्वर्ग राज्य में सद्या में मीन्स कुंजाड़ी कल्याण मेमने का शादी में एंट्री मिलेगा। बिना दिया हुआ कपड़ा पहनते हुए हमें उधर प्रवेश नहीं कर सकेगा। हालेलुया। देखो उधर उधर देखो रेवलेशन पढ़ू, रेवलेशन 19 का छे, रेवलेशन का 19 का छे में അപ്പോൾ വലിയ പുരുഷാരത്തിന്റെ ഘോഷം പോലെയും പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയും തകർത്ത ഇടിമുഴക്കം പോലെയും ഞാൻ കേട്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. സർവശക്തിയുള്ള നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് രാജ്യത്വം ഏറ്റിരിക്കുന്നു. നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ, അവന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വിശേഷ വസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ. കോൺസ വസ്ത്ര പവിത്ര ലോകങ്ക ധാർമ്മികത കാ വസ്ത്ര ഹമേ പെന്നാ ഹേ. പവിത്ര ലോകങ്ക ധാർമ്മികത കാ पवित्र वस्त्र हमें पहनकर उधर एंट्री करने का है स्वर्ग राज्य में। तो मेमने का शादी में हमें बुलाया गया है, मीन्स स्वर्ग राज्य में बुलाया गया है। मेमने का शादी, यीशु मसीह का शादी, नहीं तो कुंजाड़िन्दे कल्याणम, अदिल प्रवेशिकणमेंगिल नमक एंत चेय्यणम। अवल्क शुद्धवुम, उधर लिखा है കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ, അവന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഓ കാന്ത മീൻസ് ഓ ഡുലൻ അപ്നെ ആപ് തയ്യാറോനാ ഹേ. ഡുലൻ കോ അപ്നെ ആപ് തയ്യാറോനാ ഹേ. ഔർ ലിഖാ ഹേ ഉദർ ഉസ്കോ ശുദ്ധ ഔർ ശുഭ്ര ഹോനെ വാല വിശേഷ വസ്ത്ര मिल गया, शुद्ध और शुभ्र पवित्र विशुद्धवुम वेळुत्तदुमाया विशेष वस्त्र मिल गया। वो क्या है, वो धारण करने के लिए कृपा मिल गया करके उधर लिखा है। शुद्ध और शुभ्र वस्त्र, विशेष वस्त्र धारण करने के लिए उसको कृपा मिल गया करके लिखा है। यदि हम स्वर्ग राज्य के जाने के लिए कन्या बनकर कड़ा रहने का समय, वो कन्या का योग्यता, देखो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का समय उसको वस्त्र, एक विशेष वस्त्र पहनने का है। विशेष वस्त्र पहनकर वो उसका कलर रहेगा शुद्ध, शुभ्र कलर रहेगा, मीन्स वेल्ला वस्त्र आयरिकम, वो एकदम शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। अब शुद्धवुम शुभ्रवुम आया विशेष वस्त्र धरिपान कृपा लभिच्चिरिक्कुन्नु। नम्मल ओरोरुत्तरुम आ कृपा प्राप्तिक्कणम। हम हरेक जन वही वस्त्र पहनने के लिए, वो विशेष वस्त्र पहनने के लिए कृपा प्राप्त करने का है, क्योंकि वो विशेष वस्त्र वो दुल्हन के लिए ही बनाया गया है। उधर नीचे लिखा है आ विशेष वस्त्रम विशुद्धन्मारुडे नीति प्रवृत्तिकल तन्ने। हालेलुया। വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ ആ വിശേഷ വസ്ത്രം.
തോ ഈ വിശുദ്ധന്മാരായിട്ട് പവിത്രവൻ കർ ഹമേ ജിയേഗ തോയി ഓ വിശേഷ വസ്ത്ര ഹമേ മിലേഗ ഓ ധാരണ കർണ കെ കൃപ മംഗത പരമേശ്വർ കാ കൃപ മംഗത ക്യോങ്കി ഹം ദുലിൻ ബന കെ ജാ രഹാ ഹൈ കിസ്കാ ഓ പവിത്ര മേമനെ കാ പവിത്ര യേശു മസീഹ കാ ദുലിൻ ബന കെ ജാ രഹാ ഹൈ पवित्र यीशु मसीह कौन है उधर उधर उसका छठवां वचन में हमने पढ़ा तो उधर बहुत बड़ा आवाज आ रहा है करके उधर लिखा है बड़ी जनता का मीन्स लोगों का आवाज आ रहा है बड़ा जरा पढ़िए छठवां वचन फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा हाँ, बड़ी भीड़ का बहुत जैसा सा शब्द आवाज और गर्जन का बड़ा शब्द सुनना हाँ, और भीड़ बहुत जल का शब्द और गर्जन का बड़ा शब्द सुना हाँ, नीचे हालेलुया क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है आओ हम आनंदित और मगन हो सर्वशक्तिमान अपना सर्वशक्तिमान कर्ता राज्य राजा बन गया है उसका शब्द है हालेलुया हमारा यीशु प्रभु राजा बन गया है राजा बन गए बनने के बाद उनका कन्या से शादी करने वाला है वो कन्या को शुभ्र और शुद्ध वस्त्र मिलने वाला है विशेष वस्त्र वो पवित्र लोगों का धार्मिकता का धार्मी बनकर जीने वाला वही वस्त्र है वो धारण करने के लिए वो दुल्हन को कृपा मिल जाता है हालेलुया तो नम्म अत धरिक्कुवान तक्कवण्णम योग्यत उल्लवराणो നമ്മൾ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ രാജാധിരാജാവായി രാജത്വം പ്രാപിച്ച യേശുവിൻ്റെ ദുല്ലിനായി കന്യകയായി നാം മാറുവാൻ നാം യോഗ്യത പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് വിശേഷവും ശുഭ്രവുമായ വസ്ത്രം ധരിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത കൃപ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ വളരെ ശക്തിയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി ജീവിച്ച് ആ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണോ കൃപ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കൃപ പരമേശ്വർ കെ പാസേ ഓ കൃപ പ്രാപ്ത് കർണ കെലിയെ ആജ് സെ ഹം ജിയേംഗേ പവിത്ര ബൻകർ ജിയേംഗേ ധാർമി ബൻകർ ജിയേംഗേ ഉസ് പരമേശ്വർ കാ മേംനെ കാ ശാദി കെ ശാദി മേ ദുലിൻ ബൻകർ ജാനേ കെലിയെ ഹമേ യോഗ്യത മിലേ ഹം ഉസ് രാജ്യ കാ റാണി ബൻ ജായേംഗേ ഹമാരാ യേശു പ്രഭു രാജാ ബൻനേ വാലാ ഹേ बन गया है करके उधर बहुत ही आवाज आ रहा है तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह राजा बनकर रहने वाला जगह पर हम रानी बनकर नहीं तो उनका कन्या बनकर हम रहने वाला है उसी का भाग्य हमें मिलने के लिए हमें कितना तकलीफ से इधर पवित्र बनकर जीना मांगते करके सोच कर देखो कौन राजा बनेगा अपना परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कुन्याड़िंदे कल्याणम कुन्याड़ एन्नु परंजाल यीशु प्रभु वो मेमना बोलेगा तो यीशु को ही मेमना बोलते हैं और उनका कन्या कैसा तैयार होने का अपने आप तैयार होने का हमें किसी का बोली नहीं मांगते किसी का आज्ञा नहीं मांगते मुझे यीशु प्रभु का कन्या बनने का है तो हम अपने आप तैयार होने का है हम एक दूसरे को तैयार नहीं कर सकेगा क्योंकि वो पवित्रता हमें पाने का है हम एक दूसरे को पवित्र नहीं बना सकते हैं हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं तो अपने आप को पवित्र बनकर हम यीशु का कन्या बनकर कांदा बनकर उधर पहुंचने के लिए हमें कोशिश करने का है
വിശേഷ വിശേഷ വസ്ത്രം. എന്താ വിശേഷ വസ്ത്രം? ലൂക്കോക്ക സുസമാചാരം എന്തൊക്കെ 14:15 വിശേഷ വസ്ത്രം, നീ ധാർമ്മികതയുടെ വസ്ത്രം, പവിത്രതയുടെ വസ്ത്രം ഹം ധാരൺ കർണേക്കാഹ്. उसके हाथ उसके साथ भोजन करने वाले में से एक ने ये बात सुनकर उसे कहा, धन्य है वो जो परमेश्वर का राज्य में रोटी खाएगा. परमेश्वर का राज्य में रोटी खाने के लिए हम तैयार हो जाने का. हालेलुया. तैयार होकर जाकर परमेश्वर का राज्य का रोटी खाने के लिए हम वो भाग्य हमें प्राप्त करने का है. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം. ആ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരുക്കട്ടെ. ഞാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ. ആ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ആമീൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.